हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल इंडिया का जो रिक्रूटमेंट था गेट 2022 से, तो उसकी जो सारी लिस्ट निकली उसके बाद फाइनल लिस्ट के बाद क्या कट ऑफ रहा है। ठीक है, तो कॉल इंडिया के रिक्रूटमेंट की सबसे अच्छी बात यही थी कि इन्होंने वेटिंग लिस्ट बहुत निकाली है, 7 वेटिंग लिस्ट निकाली है टोटल। ठीक है, तो मतलब वही है कि अगर किसी लिस्ट से कोई बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे थे तो इन्होंने आगे बच्चों को मौका दिया। ठीक है, इसमें दोनों का फायदा रहता है, एज ए स्टूडेंट भी फायदा रहता है। ठीक है, क्योंकि इतनी एफर्ट से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, अगर सीट खाली रहती है तो ऑब्वियसली आगे वाले को चांस मिलना चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ पीएसयू का भी फायदा रहता है कि भाई सीट भरनी है, ऑलरेडी डाटा है बच्चे का, और सिर्फ ऑफर लेटर ही देना है, वेटिंग लिस्ट निकालनी है। ठीक है, नहीं तो वही सीट भरने के लिए अगली रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीज़ है, वो चीज़ अच्छी रही इसमें, तो देखते हैं हम। ठीक है, इसी का हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे किस स्कोर पे कितना रैंक था, और बाकी देख लो माइनिंग। माइनिंग में तो जितनी सीट्स आई थी उतने बच्चे मुझे लगता है उसके से थोड़े से ज्यादा ही क्वालिफाई किए थे, इसलिए माइनिंग का तो देखो अप्रोक्सीमेट जो क्वालिफाई किया होगा उसको एंड तक कॉल आ गई होगी। ठीक है, तो ये सिविल का स्कोर है, कट ऑफ स्कोर लास्ट कैंडिडेट का 7 लिस्ट बार, ईसी और ये सिस्टम एंड ईपीडी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ईसी में अगर देखा जाए अनरिजर्व में 562, ईडब्ल्यूएस में 554, ओबीसी में 562। ठीक है, ओबीसी और अनरिजर्व का सेम ही गया है, एस सी 548, एस टी 504, सॉरी 458, एस टी 404, फिजिकल डिसेबल एच एच कैटेगरी में 296 और ओ एच में 475। ठीक है, तो जो मेरे पास मुझे जो लगता है अप्रोक्सीमेट इस पे जो 554 पे रैंक जो है वो 1336 होना चाहिए। ठीक है, तो वही ये स्कोर ज़्यादा है तो इस पे थोड़ा सा कम, मान लो कि 1270 मान लो, ना एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, 1250 से 1300 तक मान लो। ठीक है, इसके बीच में होगा कुछ ना रैंक, और ठीक है तो ये सेम आ गया। और इसके अलावा 404, ठीक है 404 पे मेरे हिसाब से इस तरह होना चाहिए, इससे थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, तो ये 401 के ऊपर वाले देखे थे मैंने, इतने बच्चे हैं 401 से ऊपर ऊपर इतने बच्चे हैं, तो इतना ही होगा। और 458 पे अप्रोक्सीमेट 3000 है। ठीक है, 296 तो कट ऑफ से कम ही रहा है काफी, तो इस पे तो बहुत ज्यादा ही होगा रैंक। ठीक है, इसका मुझे थोड़ा इतना नहीं मिला डाटा। 475 देखो 3000 यहाँ पे है, तो 475 ये 3000 से ऊपर ही होगा, इसका नहीं कुछ कह सकता। ठीक है, बट 3000 से कम कम ही है। ठीक है, तो ये रहा कॉल इंडिया का फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो इसी में बहुत बड़ी बात है कि भाई जिस हिसाब से चल रहा था 2021 में कि 22 में 1300 रैंक अनरिजर्व तक पीएसयू मिला है। ठीक है, तो इसके अलावा इस साल भी अगर कट ऑफ कॉल इंडिया आएगा तो भर देना। ठीक है, वेटिंग लिस्ट की उम्मीद में, ताकि एंड तक मौका मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।